माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चों, ये है क्लास 10th की मैथ्स की ट्रिगोनोमेट्री का चौथा वीडियो लेक्चर। बिल्कुल सही आपने सुना। वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मेरी आपको सजेशन है कि आज के वीडियो लेक्चर में बताए जाने वाली बातें या आज के वीडियो लेक्चर में समझाए जाने वाले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स का देखा जाना जरूरी नहीं, अत्यंत जरूरी है। तो आज का वीडियो लेक्चर एक और नए टॉपिक पे है जिसे हम कहते हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिटीज यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया बहुत वास्ट है, इतनी वास्ट है कि सब कुछ आप 10th क्लास में नहीं पढ़ोगे, इतना वास्ट है कि सब कुछ 11th क्लास में भी नहीं पढ़ा दिया जाएगा। हर एक पर्टिकुलर क्लास में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा, और जो चीजें हम लोग जनरली 10th में फॉर्मूले के रूप में सीखते हैं, आगे की क्लासेस में उनका प्रूफ भी सीखते हैं। आज आपको जो मैं समझाने जा रहा हूं उसमें से बहुत सारी चीजें इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में आप जान चुके हैं, और बहुत सारी चीजें आप आज के वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर प्राइमरीली अगर किसी चीज पे बेस्ड है तो सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज का वीडियो लेक्चर अगर किसी चीज पे बेस्ड है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो वो है सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूलाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस में काम आएंगे, यानी जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार हम पहले वो पढ़ लेते जो हमने जान लिया, अब तक हम जो सीख चुके हैं। पहले मैं यहां लिख देता हूं वो सब कुछ, आई रिपीट माय सेंटेंस, वो सब कुछ जो हम सीख चुके हैं, वो सब कुछ जो हम सीख चुके हैं, वो सब कुछ जो हम सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं। सबसे पहला फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, तीसरा फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, और चौथा हम सीख चुके हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। हम सीख चुके हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। हम सीख चुके हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टैन थीटा। अब देखो कंक्लूजन क्या निकलता है, इन बातों से कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि अगर कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा है तो कॉसेक निकलता है कि साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज बराबर 1। इससे कंक्लूजन निकलता है कि सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इज बराबर 1, और इससे कंक्लूजन निकलता है कि कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय टैन थीटा इज बराबर 1। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, ये वो है जो मैं आपको सिखा चुका हूं, बहुत बेसिक। इसके अलावा हमने सीखा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और हमने सीखा है कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, हमने सीखा है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और हमने सीखा है कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, हमने सीखा है टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और हमने सीखा है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। इसके अलावा आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। आपको पता होना चाहिए कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वो सब कुछ है जो हम सीख चुके हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों। एक बार बोर्ड पे ये सारी जानकारी को देखो। अब आज क्या सीखना है, आज आपको सीखना है पहली आइडेंटिटी, इसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे बच्चों,
इसे आइडेंटिटी कहा जाता है, ये एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सबसे पहली आइडेंटिटी, बहुत प्यारी आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। हमारे सिलेबस में हम इसका प्रूफ नहीं करते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, ये पहली आइडेंटिटी है। मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज हमारी पहली आइडेंटिटी, दिस इज हमारी पहली आइडेंटिटी। दूसरे लिख रहा हूं, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, दिस इज हमारी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दूसरी आइडेंटिटी, दिस इज हमारी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दूसरी आइडेंटिटी। एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास टेंथ के बच्चों, मैं सामने से हट रहा हूं और आप लोगों को मौका दे रहा हूं पूरी स्क्रीन को घूरने का। ये पूरी स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रहा है ना, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने जो भी फॉर्मूलास लिखे हैं, आपके सामने मैंने बोर्ड पे जितना भी सब कुछ लिखा है, ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सब कुछ एग्जाम में हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम जरूर आएगा। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको काम नहीं आएगी, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक, हर एक पर्टिकुलर चीज कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे काम जरूर आएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये तीन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन इस्तेमाल कैसे करना है, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा इस्तेमाल कैसे करना है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इस्तेमाल कैसे करना है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को तंग करता है। अब मैं एक बात बोल रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर मेरे द्वारा बोले जाने वाली ये बात आपने अपने दिमाग में बिठा ली तो आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आपको तंग नहीं करेगा। मेरी पहली बात, एडवाइस कह लीजिए या चेतावनी कह लीजिए, हर बच्चा चाहे वो किसी भी लेवल का हो, वेरी इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, ठीक ठाक इंटेलिजेंट, एवरेज बच्चा या बहुत ही पुअर बच्चा, हर बच्चा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रूफ वाले क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस कर पाए ये जरूरी नहीं है। पहला, हर बच्चा कर पाए ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप करने की कोशिश करते हो, उनके आंसर तक आप पहुंच पाओ ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं। जब तक ट्रिक्स आपको पता नहीं चलेंगी आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि टेंथ क्लास में ज्यादातर क्वेश्चंस में ट्रिक इस्तेमाल नहीं होती, कुछ क्वेश्चंस में जहां जहां होगी वहां आपको पता चल जाएगा। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं माय डियर क्लास टेंथ के बच्चों, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 को अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको नजर आएंगे प्रूव द फॉलोइंग। जब भी आज के बाद एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रूव द फॉलोइंग का कोई क्वेश्चन नजर आएगा तो आपको हमेशा हर प्रूव वाले क्वेश्चन में एक लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा और राइट हैंड साइड में भी कुछ एक्सप्रेशन दिया होगा। हम हमेशा पहले कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करने की और राइट हैंड साइड को लाने की। कुछ क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करने की नौबत आ सकती है। अब एक बच्चा कहता है सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको कोई भूत आके नहीं बताएगा, ना ही आपको कोई सपना आएगा, ना ही आपको कोई हिंट दी जाएगी। आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड आई विल रिपीट दिस 1000 times। फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस ऑफ प्रूव द फॉलोइंग इन ट्रिग्नोमेट्री, योर फर्स्ट अटेम्प्ट may or may not be successful, but you should not quit. आप quit नहीं करेंगे, आप कोशिश करते रहेंगे तब तक जब तक आपको आंसर प्राप्त ना हो जाए, और कोशिश करने वाले को ही प्राप्त होगा। अगर आप ये सोचकर ये कहने लगे कि यार मैंने करने की कोशिश करी थी मेरा तो आंसर नहीं आया, आंसर लाने का एक तरीका नहीं होगा। हर बच्चा अपनी मर्जी से जैसा मर्जी दिमाग लगा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सही लगाना है। शर्त यह है कि बोर्ड पे दिए हुए ये फॉर्मूलास के अलावा, बोर्ड पे दी हुई ये आइडेंटिटीज के अलावा आपने कुछ और अप्लाई नहीं करना है। आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपकी चॉइस है, बशर्ते वो अप्लाई होना चाहिए। ये सारी बातें ध्यान में रखकर आप आराम से
प्रूव द फॉलोइंग के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक बच्चा कहता है सर आप ही प्रैक्टिस करा दो, जितनी प्रैक्टिस मैं आपको इस लेक्चर में करा पाऊंगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट। एक्चुअली में मैं जितनी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा उससे आप ये मत सोचना कि सारी प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि प्रूव द फॉलोइंग के ट्रिग्नोमेट्री में इंफिनिटी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इंफिनिटी क्वेश्चंस मैं भी आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर प्रैक्टिस कराऊंगा। हाँ, क्वेश्चन की तरफ अप्रोच कैसे करना है उसका तरीका आपको सिखाता हूं विद सम एग्जांपल्स। आइए मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने अब आपको कराने जा रहा हूं हाउ टू सॉल्व और हाउ टू अप्रोच प्रूफ वाले क्वेश्चंस इन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिटीज। मेरी तरफ बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू सॉल्व या हाउ टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। मैं आपको जो अब सिखाने जा रहा हूं इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व कह लीजिए या हाउ टू अप्रोच कह लीजिए, हाउ टू अप्रोच हाउ टू सॉल्व प्रूफ वाले क्वेश्चंस इन ट्रिग्नोमेट्री, प्रूफ वाले क्वेश्चंस इन ट्रिग्नोमेट्री यानी क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की बात चल रही है और ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ वाले क्वेश्चंस कैसे करने इन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिटीज यानी हम फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ हम आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज दोनों का एक साथ इस्तेमाल करके क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों। आइए हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, मैं एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए किताब का ही सहारा लूंगा और आइडेंटिटीज आपको पता है तो मेरे सामने मैं किताब लेके बैठा हूं। इसमें पहला क्वेश्चन मेरे सामने जो मुझे दिख रहा है, क्वेश्चन आया है प्रूव दैट। सिंपल से डिफिकल्ट में जाएंगे, पहला पार्ट है 1 - sin² θ मल्टीप्लाइड बाय sec² θ इज इक्वल टू 1, ये पहला पार्ट है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है प्रूव करिए कि 1 + tan² θ मल्टीप्लाइड बाय cos² θ इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है 1 + tan² θ मल्टीप्लाइड बाय 1 - sin θ एंड 1 + sin θ इज इक्वल टू 1। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, आपको ये तीन क्वेश्चन दिख रहे हैं, मेरी सजेशन रहेगी कि कोई भी बच्चा जो ये तीन क्वेश्चन देख रहा है अगर चाहे तो वीडियो पॉज करके ये तीनों क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है और हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे कर भी पाए। आओ कैसे हमारी अप्रोच रहेगी, मैं पहला करके दिखाता हूं आपको। पहला ये देखो, मैं लिखूंगा सिंस वन प्लस, ये ध्यान दीजिएगा, मैं आप लिख रहा हूं सिंस sin² θ + cos² θ 1 होता है, ये एक आइडेंटिटी है। सो देयरफोर इसे वहां लेके जाऊंगा, देयरफोर cos² θ इज इक्वल टू 1 - sin² θ होगा। तो 1 - sin² θ की ये वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं। अगर इस वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मैं यहां लिखूंगा सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले मैंने लिखा 1 - sin² θ मल्टीप्लाइड बाय sec² θ इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा, इसकी जगह लिख सकता हूं cos² θ मल्टीप्लाइड बाय sec² θ। बच्चा जानता है कि sec θ cos θ का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं sec² θ की जगह मैं लिख सकता हूं 1 upon cos² θ, कैंसिल मेरे पास आ गया 1, हैंस प्रूव। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों एक बार घूरो, मैं कहता हूं दो बार देखो, आए मन में कोई सवाल फिर आप मचाना पूरा बवाल, आई होप आपको समझ आ रहा है। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मैं फिर से लिखूंगा ऑल्सो, मैं यहां लिख रहा हूं ऑल्सो 1 + tan² θ इज इक्वल टू secant² θ होता है। सीधा मैं नकल लगा रहा हूं, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो अगर 1 + tan² θ, सेकेंड क्वेश्चन, 1 + tan² θ
हमारे पास यहां पे गिवन है, साथ में हमारे पास गिवन है cos पर थीटा। इसकी जगह सीधा लिख सकता हूं मैं क्या, sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos पर थीटा। इसकी जगह लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos पर थीटा। कैंसिल कैंसिल, हमारे पास आ गया 1। हेंस प्रूव। देखो मैं कहता हूं घूरो, आए मन में कोई सवाल मेरे बच्चों मचाना बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको है बताया। आई होप मेरे बच्चों को समझ आया। मैंने दो क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए। आइए अगला तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने यहां पे ये लिखा है तो मैं जगह बनाऊंगा और जगह बना के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये देखिए ये देखिए, ये है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा लुक्स लाइक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आइए तो ए माइनस बी ए प्लस बी बिकम्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की जगह सेकेंड स्क्वायर थीटा। सेकेंड कह लीजिए, सेक कह लीजिए, आइडेंटिटी इस्तेमाल करिए आइडेंटिटी। यहां ब्रैकेट में बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा आपको अच्छी तरह पता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल कैंसिल, हमारे पास आ गया 1। मैं कहता हूं कि पहले देखो, फिर मैं कहता हूं कि घूरो, फिर मैं कहता हूं कि आए मन में कोई सवाल तो मेरे बच्चों मचाना बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बेसिक, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ये आसान है। अगर ये आसान आप वीडियो को पॉज करके या मेरे कराए जाने से पहले खुद कर पाने में कामयाब हुए हो तो समझो कि आपने एफर्ट्स जेन्युइनली लगाने शुरू करे हैं। जेन्युइन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे मेरे बच्चों। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करा देने से काम नहीं बनेगा। मैं सोच रहा हूं कि चीजों को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करूं। अब मैं आपको फिर से कुछ और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करा रहा हूं और जो एग्जांपल्स की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं उन एग्जांपल्स को मेरे द्वारा करे जाने से पहले आप एज अ स्टूडेंट एक बार वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस जरूर करना। हो सकता है कि आप मेरे कराए जाने से पहले ही उन क्वेश्चंस को करने में कामयाब हो जाओ। और क्या चाहिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, जरा दीजिए ध्यान। अगले एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। मैं जगह बनाऊंगा और किताब की मदद से अगले एग्जांपल्स को यहां लिखूंगा ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कैसे करनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्वेश्चन कैसे आएगा इस बात का अंदाजा लग सके और ये बात आपको अच्छे से समझ आ सके। माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, जरा दीजिए आप पूरा ध्यान। डियर किताब देवता, आप फिर से मेरे हाथ में आ जाइए। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नया क्वेश्चन और आया हमारे सामने। यहां हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया प्रूव दैट। ये देखिए प्रूव दैट का फर्स्ट पार्ट कहता है प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि साबित करो कि secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ये दो क्वेश्चन है किताब देता, आप करो आराम, मैं बच्चों को ये क्वेश्चंस कराता हूं। आइए मेरे बच्चों आइए, सबसे पहला करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है cosec स्क्वायर थीटा -1। ये देखिए मैं लिखूंगा वी नो दैट। एक बच्चा बोला क्या जानते हो, हम जानते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा के। अगर मैं 1 को उस तरफ ले जाऊं तो हमें मिलेगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। cosec स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू को यहां पुट करूं तो मुझे प्राप्त होता है मेरे पहले क्वेश्चन में इसकी जगह मैं लिख सकता हूं cot स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा हम सबको पता है कि tan का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा। कैंसिल कैंसिल, मेरे पास आ गया 1। हेंस प्रूव। बिल्कुल सही आपने देखा। अगर कोई बच्चा इसे पॉज करके मेरे कराने से पहले करने में कामयाब हुआ है तो उस बच्चे को मैं अप्रिशिएट करूंगा। हर क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश करो। आपकी कोशिश जब हो जाएगी नाकाम तब आएगी आपके मेरी कोशिश काम, तब जाके आप कर पाएंगे बिना टेंशन के क्वेश्चन को करने का पूरा काम। आई होप
मेरे बच्चों को चीजें समझ आ रही हैं। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की विदाउट एनी डिले, सीधा क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा कि सीकेंट स्क्वायर, इसको सीकेंट भी कहते हैं, अगर मैं सीकेंट बोल रहा हूं तो घबराइएगा मत, सेक कहिए या सीकेंट कहिए, एक्चुअली में सीकेंट जो होता है वो ये होता है सीकेंट, ठीक है। सीकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है सेक, तो मैं अगर कभी कभी सीकेंट बोलूं तो घबराइएगा मत कि सर क्या बोल रहे हैं। sec square theta minus 1 multiplied by 1 minus cosec square theta is equal to minus 1। अब देखो मैं यहां पे लिखूंगा, आप थोड़ा यहां आ जाइए, आपकी एंट्री यहां से लेते हैं। हम जानते हैं, मैं लिखूंगा यहां पे, हम जानते हैं, एक बच्चा बोला क्या जानते हो कि 1 plus tan square theta secant square theta होता है, और we can say कि tan square theta will be equal to secant square theta minus 1। बिल्कुल सही, ये यहां आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। and हम ये भी जानते हैं कि 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta होता है, और हम लिख सकते हैं 1 minus cosec square theta is equal to minus cot square theta। ये 1 minus cosec square theta की वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो देखो इसकी जगह मेरे पास आया tan square theta multiplied, बीच में multiply का साइन है, और इसकी जगह 1 minus cosec square theta की जगह मेरे पास आया minus cot square theta। बच्चा बच्चा जानता है कि tan square theta को हम लिख सकते हैं cot square theta, या उसको भी उल्टा लिख सकते हैं minus cot square theta, cancel cancel, तो मेरे पास आ गया minus 1। Hence proved, पहले देखो फिर घूरो फिर समझो फिर जानो फिर परखो, और मन में आए कोई सवाल तो मेरे बच्चों मचाना बवाल। This is something very very important for you my dear class 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतने ही सिंपल क्वेश्चंस इस तरह के टॉपिक में पूछे जाएंगे, तो बच्चों मेरा जवाब है नहीं। मैंने आपको भले ही दो एग्जांपल से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी है, बट मैं आपको ये बात दोबारा से दोहरा रहा हूं, व्हाटएवर क्वेश्चंस आई एम मेकिंग यू प्रैक्टिस विल नॉट बी सफिशिएंट। मैं आपको जो प्रैक्टिस करा रहा हूं वो सिर्फ इसलिए करा रहा हूं ताकि इनके जैसे जो भी क्वेश्चन आपको नजर आए, वो चाहे उनकी शक्ल हो जितनी भी भयानक, आपकी अप्रोच उनके प्रति चेंज नहीं होनी चाहिए, आपको चीजें ढंग से समझ आनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा और चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और आगे थोड़े और एग्जांपल्स आपको कराते हैं। इससे पहले मैंने तीन छोटे एग्जांपल कराए, फिर आपको ये दो बड़े एग्जांपल कराए, आइए थोड़ा सा एक और बड़ा एग्जांपल लेते हैं और कोशिश करते हैं चीजों को और कॉम्प्लेक्स बनाने की, और देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के प्रति हमारी अप्रोच कैसे रहेगी, क्योंकि मैं तो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं उन क्वेश्चंस के विचार बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिटीज। मेरे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन और आया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट, क्वेश्चन आया है प्रूव दैट, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट, दिखने में भयानक है लेकिन एक्चुअली में सिंपल है, प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा। ये हमारे सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए बच्चों जानते हैं। अब देखो secant square थीटा प्लस cosec square थीटा को हमें प्रूव करना है tan थीटा प्लस cot थीटा, कैसे प्रूव करेंगे, देखो मैं यहां लिखूंगा, हम जानते हैं, एक बच्चा बोला क्या जानते हो कि 1 plus tan square थीटा इज इक्वल टू secant square थीटा होता है, बिल्कुल होता है ना, एंड 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta होता है, भाई बिल्कुल होता है, तो secant square theta की ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं और cosec square theta की ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में मैं secant square theta की जगह लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 plus tan square theta plus इसकी जगह लिख सकता हूं 1 plus cot square theta, तो मेरे पास आ गया, बहुत ध्यान सुनना, मेरे पास आ गया tan square theta plus cot square theta plus 2। अब क्या मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट में, ये देखो tan square theta को tan theta का square, cot square theta को cot theta का square plus 2 के बगल में अगर मैं tan theta और cot theta साथ में लिख भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। एक बच्चा कहता है क्यों आपने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये और ये को मुझे ये बनाना है,
अब a प्लस बी मैं चाहता हूं बाहर आ जाए, तो अंदर क्या दिखना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। देखो tan स्क्वायर थीटा को लिखा tan थीटा का स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा को लिखा cot थीटा का स्क्वायर, और क्योंकि 2 के साथ मैंने ये लगा दिया तो हाउ डज इट लुक लाइक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नाउ दिस लुक्स लाइक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। If this looks like a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, then this can be written as under root tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। और रूट से बाहर निकल के, जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो रूट से बाहर निकल के ये और ये कटेगा, मुझे प्राप्त होगा tan थीटा प्लस cot थीटा, इसलिए मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं, hence proved my dear क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। देखो एक बार आप तसल्ली से देख लो, मैं आपको मौका दे रहा हूं इस क्वेश्चन को भूलने का। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस का लेवल और कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, क्वेश्चन का लेवल बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मैं जितना चाहूं और कॉम्प्लेक्स कर सकता हूं। एक बच्चा कहता है करो ना फिर, चलो जी एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं और चीजों को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं और चीजों को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, डियर किताब देवता, आपकी मदद के बिना तो क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो आपकी मदद तो जरूर ली जाएगी। देखिए बच्चों बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे सामने, मुझे दिख रहा है, क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट, एक क्वेश्चन आया है मेरे सामने, प्रूव दैट tan a प्लस sin a, टाइम tan a प्लस sin a अपॉन tan a माइनस sin a इज इक्वल टू secant a प्लस 1 डिवाइडेड बाय secant a माइनस 1। ये मेरे सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आओ जी शुरुआत करेंगे कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से। इस क्वेश्चन को मैं आखिरी क्वेश्चन मानूंगा क्योंकि ऐसे तो मैं प्रैक्टिस आपको बहुत करा सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज सफिशियंट जितना मैंने करा दिया है, नॉट मोर देन, मतलब नॉट सफिशियंट कि आप कहो जी और लेवल नहीं हो सकते, न्यूमेरिकल हो सकते, बट अप्रोच समझाने का जो मेन तरीका मैं आपको बता चुका हूं। आइए tan a की जगह ले सकते हैं हम sin a अपॉन cos a प्लस यहां पे आ गया sin a डिवाइडेड बाय, यहां पे tan a की जगह लिख दिया मैंने sin a अपॉन cos a माइनस sin a। अब मैंने क्या किया sin a कॉमन ले लिया, जब मैं sin a कॉमन लूंगा तो मुझे प्राप्त होगा यहां पे 1 अपॉन cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहां से भी मैंने sin a कॉमन लिया मुझे प्राप्त हुआ 1 अपॉन cos a माइनस 1। मैं जानता नहीं हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसलिए से दोबारा लिख देता हूं यहां पे। आइए sin a कॉमन लेता हूं, अगर दिख रहा तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहां पे sin a फिर से कॉमन ले लूं। ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा 1 अपॉन cos a और यहां पे मेरे पास आ गया माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, कैंसिल कैंसिल। 1 अपॉन cos a क्या होता है, 1 अपॉन cos a हो गया secant a प्लस 1 और 1 अपॉन cos a वापस हो गया secant a माइनस 1, secant a प्लस 1 अपॉन secant a माइनस 1 गिव्स मी द प्रूफ। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, secant a प्लस 1 अपॉन secant a माइनस 1, मैंने आपके सामने इसको बेशक बिना किसी टेंशन के प्रूफ करके दिखाया। एक बच्चा कहता है आप क्या करें, कुछ नहीं करना आपको, आपको केवल और केवल अब किताब खोलनी है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 में बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन दिए हैं और उसी से रिलेटेड आपको कई सारे और क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे किसी ना किसी क्वेश्चन बैंक में या किसी ना किसी रेफरेंस बुक में, प्लस एग्जांपल्स करना मत भूलिएगा। सो माय डियर क्लास 10th के स्टूडेंट्स, दिस वाज द वीडियो लेक्चर कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, एंड विद दिस we can say, मैं कह सकता हूं इनफैक्ट कि we have finished the unit number 8 of NCERT class 10 जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, और अब आपको करनी है भरमारम भरमारम प्रैक्टिस, और शुरू हो जाइए करिए प्रैक्टिस का सिलसिला ताकि नहीं हो आपकी जिंदगी में कोई टेंशन का हिल हिला। अब सवाल ये आता है कि सर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ नहीं है मेरे बच्चों, आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आपने मुझे अपना कीमती समय दिया इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले, थैंक यू वंस अगेन।